अपन काबिले तारीफ है आप का मन की बात है ये सब काम करा दीजिए खूब करा दीजिए कांग्रेस काम पर कोई को नामो चल कोई को कौन हुआ सही बात है ज्यादा बोल बड़ा रह जाए कम बोल बड़ा ज्यादा बोल बड़ा निकल जाए कम बोल बड़ा रह जाए आपने किसको वोट किया मैं तो ये नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी नहीं वोट गुप्त रहता है आप किसको वोट करने आए हैं कमल का फूल कमल के फूल को देखिए लास्ट के अंदर रेवड़ियां बांटने से कुछ भी नहीं होता है हर हर मोदी घर घर मोदी हिंदुत्व को बचाना है तो मोदी जी को लाना है राजस्थान में चुनावी रण है वो पूरी तरीके से बीत चुका है और आज उसका आखिरी दिन है। आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग अमूमन हमेशा वोटिंग होती है सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, लेकिन इस बार जो वोटिंग का टाइम है वो 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। इस कारण बढ़ा दिया गया है कि इस बार सरकार चाहती है इस बार की जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और वोटिंग प्रतिशत वो बढ़ जाए। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम वोटिंग बूथ के बाहर ही खड़े हैं। इन लोगों से हम सीधा सटीक जवाब मांगते हैं कि इन्होंने किसको वोट दिया है और वोट करने से पहले इनके जहन में क्या कुछ सवाल थे कि इस बार यहाँ इनके विधानसभा क्षेत्र में विकास की उम्मीद कौन बनेगा और किसको ये वोट करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में अब उम्मीद की किरण कौन होगा, कौन विकास करवाएगा यहाँ पर? मैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वोटिंग करा था और मैं जब से वोट डालता आया हूँ मेरा आज 5वीं बार वोट है। मैं अच्छा मत चाहता हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने भाजपा को वोट किया है और जो इतने दिनों से मतलब 5 साल जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं गहलोत सरकार उसको हटा के भयमुक्त राजनीति करने वाले को और बीजेपी की सरकार बनाना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं, तो राजस्थान में हाल फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और क्या लगता है कि कांग्रेस तो लगातार ढिंढोरे पीट रही है कि उसने ग्राउंड पर बहुत काम कराया है, बहुत योजनाएं लाए हैं, तो क्या वो योजनाएं ग्राउंड तक बिल्कुल नहीं पहुंची है? बिल्कुल 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है? देखिए लास्ट के अंदर रेवड़ियां बांटने से कुछ भी नहीं होता है। जो काम हो रहा है वो एक मतलब सच्चे और ईमानदारी के हिसाब से और जो भ्रष्टाचार मुक्त है और शिक्षा के नेतृत्व में और जो हमारी माताएं बहन हैं उनकी सुरक्षा के लिए मोदी सरकार से कोई भी नहीं है। बेस्ट ऑफ बेस्ट मोदी सरकार, हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, तो आपको मोदी जी से क्या कुछ विकास की उम्मीदें हैं कि ये काम वो करवाए यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में? क्या मुश्किलें हैं आपकी? मेरे को तो क्या लगता है कि कांग्रेस तो केवल मोमडन को ही सपोर्ट करती है। अभी 50 लाख रुपए मिले उसको मरने पे तो क्या हिंदू को मिलते? इतनी सी बात बता दो आप, तो बस मिलते हिंदू को? बात विकास की करें या बात जातिगत समीकरणों की करें? हम तो हिंदू हैं, हम हिंदुत्व को करते हैं सपोर्ट, नॉट फॉर मोमडन। थैंक यू। आप हिंदुत्व पे वोट दिया है आपने? जैसा कि ये बोल रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ यहाँ पे हिंदुत्व को वोट दिया है और मोदी जी को इन्होंने यहाँ पे वोट दिया है, विकास की कोई इनकी संभावनाएं वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपने वोट कर दिया है? नहीं, अब करेंगे। अब करेंगे, किसको वोट करने वाले हैं और वोट करने से पहले जहन में क्या कुछ विचार आना है कि ये मुद्दे आपके हैं, इन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? मुद्दे सिंपल है मैडम कि एक तो हिंदुत्व को बचाना है तो मोदी जी को लाना है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अभी की सरकार ने जो फ्री में बांटने वाला सिस्टम कर रखा है ना, ये बिल्कुल गलत है। ये आने वाले जो ये बच्चे हैं इनके लिए बहुत गलत होगा। अगर आपको किसी चीज़ को करना है तो सबके लिए बराबर कीजिए या फिर बिल्कुल मत करिए, मेरा ये मानना है। तो इसलिए सरकार का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि आपको भाजपा को आपने वोट दिया और भाजपा यहाँ जीतनी चाहिए, तो अगर भाजपा जीतती है तो आप भाजपा का मुख्य चेहरा किसे देखना चाहेंगे? राजस्थान की कमान है वो कौन संभालेगा? ये तो मैडम वक्त बताएगा अभी किसको रखते हैं वो, बाकी जो भी जनता आए, जनता भी का वो ऐसा जनता का भी तो रुख होता है ना, जनता किसे चाहती है राजस्थान का मुखिया? हम ऐसा चाहते हैं कि योगी जी जैसा आए कोई। किसे चाहते हैं? सस्ता ही चाहूँ से मैं तो, कि भाई सब चीज़ सस्ती होनी चाहिए, धंधा पानी नहीं है हमारे पास तो। आपने किसको वोट किया है? मैं तो ये नहीं बताऊंगी। आप नहीं बताएंगे? नहीं बताऊंगी, नहीं, वोट गुप्त रहता है। वोट गुप्त रहता है? हाँ, मन का वोट होता है। तो आप वोट करने से पहले आपके जहन में क्या ख्याल था कि ये मुद्दे हैं, मेरी ये समस्या है तो ये समस्या है? कुछ धंधे पानी नहीं है बच्चों के, और है ना इतनी महंगाई कर रखी है, गरीब आदमी है तो घर खर्चा चलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। 9-11 1100 रुपये का सिलेंडर हो रहा है
और हर चीज़ में इतनी महंगाई बढ़ रही है तो गरीब आदमी क्या करेंगे, आम आदमी क्या कर सकते। हाँ, और जिनको मिल रहा है गाँव में लाइट फ्री है, वो फ्री है, और है ना यहाँ पे है ना ऐसे ऐसे 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं लाइटों के, महीने के। अच्छा, जो लाइट फ्री कर दी गई आपको, उससे डबल परेशानी, आपका डबल बिल आ रहा है उससे। हाँ, ये देखो कितना बिल आ रहा है। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं निकाली, अन्नपूर्णा जैसी। फोन मिला आपको? नहीं मिला मेरे को तो फोन कुछ नहीं मिला, नहीं दिया। और है ना जो लाइट का बिल, इतनी सी कमाई है, प्राइवेट नौकरी करता है बच्चा दूसरे के, और वो लाइट पानी में ही चल जाते, क्या करे। वो तो दो कमरे किराए दे रखे, जो दाल रोटी का गुजारा हो रहा है। रोज पानी पियो वाला हाल चल रहा है। जैसे इनके भी काफी कुछ मसला है। आप किसको वोट करने आए हैं? कमल का फूल। कमल के फूल को? कमल से क्या कुछ उम्मीद है यार? बहुत कुछ। कमल का मुखिया किसे देखते हैं? राजस्थान का मुखिया किसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी है वहाँ तो, और यहाँ जो है ना अभी सस्पेंस। यहाँ का सीएम किसको देखना चाहते हैं? जनता अशोक गहलोत को आप देखना चाहते हैं? जी हाँ। किसको वोट दिया है आपने? कांग्रेस को। कांग्रेस को? अर्चना शर्मा मैडम। अर्चना शर्मा जी को। तो क्या कुछ लगता है कि अब यहाँ पे उनसे, आप जब वोट कर रहे थे तो आपके जहन में क्या ख्याल आ रहे थे कि अगर अर्चना शर्मा आए तो इस क्षेत्र का ये विकास करेगी? उन्होंने पाँच साल में बहुत काम किए। पाँच साल में काम किया है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी महिला हैं वो। और कालीचरण जी सराफ जो है लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन विकास के लिए कभी कोई काम नहीं किया। और गहलोत साहब ने भी बहुत काम किया है, गरीबों को बहुत राहत पहुंचाई है, इसलिए विकास के नाम पे हम कांग्रेस को अर्चना शर्मा जी को वोट देना चाहिए। जैसा कि ये कह रहे हैं कि अर्चना शर्मा जी काम करवाएंगी, और जो अशोक गहलोत है उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली है और खूब काम किया है, लेकिन अभी जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो काम करवा सकती है वो सिर्फ भाजपा करवा सकती है। पिछले पाँच साल में कार्यकाल में जो काम हुआ है वो काबिले तारीफ। मन की बात है, नहीं सब काम करा दीजिए, खूब करा दीजिए कांग्रेस काम, पर कोई को नामो चर कोई को कौन हुआ। सही बात है, अच्छा ज़्यादा बोल बड़ा रह जाए, कम बोल बड़ा, ज़्यादा बोल बड़ा निकल जाए, कम बोल बड़ा रह जाए। तो आपको जो योजनाएं थी उनका फायदा मिला आपको? मोबाइल मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम जनरल से है ना, हाँ हम विकास की बात है। मैं मोबाइल कौन करे, मोबाइल तो मोटे आले आदि ना माना, मैं कौन बांट देगा सरकार की? कुछ भी विकास नहीं है, क्या राशन कार्ड नहीं, कुछ नहीं है जनरल को, कुछ नहीं मिला भाई। जो हम जैसे तो आप किसको वोट करने वाले हैं? हम तो देखो अब देखते हैं आगे जाके के कर रहे हैं, जिसको इच्छा होगी जिसको करेगा। हाँ, बीजेपी को वोट करने वाले हैं। कालीचरण जी से उम्मीद है कि विकास करवाएंगे? उम्मीद तो है ही, अब आगे वो करने वाले के ऊपर निर्भर है। तो भाजपा की सरकार बन जाती है तो राजस्थान का मुखिया किसे चाहते हैं आप? कालीचरण सर आपको नहीं, वो जो आप राजस्थान का मुखिया, अब एज अ सीएम फेस किसको देखना चाहते हैं? वोट किसको करके आए आप? वोट किसको? बीजेपी को करके आए। बीजेपी को करके आए। जब आप वोट करने जा रहे थे आपके जहन में क्या कुछ सवाल थे, क्या कुछ मुद्दे थे कि उनको लेकर आपने वोट किया है? नहीं कोई सवाल नहीं, कोई मुद्दे नहीं। बस हम तो वसुंधरा जी को लाएंगे, उन्होंने हमारा सपोर्ट देती तो हम वसुंधरा जी को लाएंगे, और किसको लाएंगे? लड़कियों को दी बस भाई। जैसे गवर्नमेंट जॉब में वसुंधरा जी 6 महीने लड़कियों को लेके आई भाई, इनको मतलब बच्चा हो तो 6 महीने के ऐसे, तो वसुंधरा जी लेडीजों के लिए सही है। अब आगे उनके ऊपर निर्भर हो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हम तो वसुंधरा जी मुखिया नहीं होते हैं तो क्या भाजपा से नाराजगी होगी? नहीं रहेगी, नाराजगी नहीं रहेगी। वो तो राजनीति के ऊपर है कि वो कितना को किसको वोट मिल रहा है। हाँ बस सही है कि नहीं भाई, हम लेडीजों के लिए तो ऐसा बने जैसे योगी जी है वैसा कोई आना चाहिए, जो सीधे भ्रष्टाचारी पर सीधे बुलडोजर चले, अब सीधी सी बात है, ऐसा ही आदमी चाहिए अब यूपी जैसा चाहिए। तो कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है इसको लेकर, भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर, और बहुत एक्शन नहीं लिया जनरल वालों के लिए? क्या किया है आप बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। काम नहीं किया कोई, जो भी योजनाएं आई ग्राउंड पर, कोई योजनाएं आपको मिली? कुछ नहीं है, कुछ कोई योजना नहीं, बिजली के बिल में और ना ही बच्चों की शिक्षा में कुछ। जैसे वो लगातार कह रहे हैं कि बिजली के बिल है वो जो यूनिट है वहाँ तक एक सीमित लिमिट है, वहाँ तक वो बिल माफ कर दिए गए हैं, तो उसका यूनिट के ऊपर होते ही सीधा वो डबल वाला मीटर चालू हो जाता है, चाहे आपका एक यूनिट ऊपर हुआ हो, ये गलत है ना फिर। और आप फ्यूल चार्जेस के नाम पे जो आपने इस बार करा है
वो भी तो गलत है। हम तो सीधी सी बात जानते हैं, जो भी आए, जो भी यहाँ से बीजेपी से जीतने के बाद जो भी उम्मीदवार वो खड़ा करते हैं अपनी तरफ से, ऐसा हो योगी जैसा हो, सीधा बुलडोजर चले सारे भ्रष्टाचारियों पे। हम एक नंबर के आदमी, हम एक नंबर का काम करते हैं। सेंटर पे एक सवाल और खड़ा होता है कि जैसे हम भाजपा को भी देख रहे हैं, कांग्रेस को भी देख रहे हैं, वहीं एक बात आती है तीसरे फैक्टर की। ये हनुमान बेनीवाल भी इन दिनों काफी कुछ लोगों के बीच में देखने को मिल रहे हैं, और जब बात आती है राजस्थान यूनिवर्सिटी की या स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की, तो उन्होंने जो स्टूडेंट्स के साथ वो खड़े रहे और मुखरता से खड़े रहे, जब ना भाजपा ने सपोर्ट किया ना कांग्रेस ने सपोर्ट किया, तो क्या लगता है कि इस बार राजस्थान का युवा हनुमान बेनीवाल को आगे लेकर जाएगा, उनका सपोर्ट करेगा, उनका साथ देगा? मैडम देखो, इस विषय में तो हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हम गृहस्थी वाले आदमी हैं, हम राजनीति में फंसना नहीं चाहते, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं, एक तरीके से जो एक आम इंसान की मांगे हैं, वो पूरी होनी चाहिए इस बार, बस। बेनिफिट ही नहीं मिल रहा हमको, जैसे हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को जो छूट होनी चाहिए, तो हमको कुछ नहीं मिला ब्राह्मणों को। तो मोदी जी कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए जो आरक्षण की छूट 5% दिए बच्चों के लिए, तो मोदी जी तो दिए ना भाई बच्चों के लिए। अब जनरल किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है यहाँ पे राजस्थान में सरकार से? नहीं भाई, हमको तो मोदी जी ने आरक्षण दिया ब्राह्मणों को तो 5%। आप क्या कह रहे थे अभी? टोटल फ्री की रेवड़ियाँ, जैसे केजरीवाल वाली राजनीति चल रही है कांग्रेस की भी, और कुछ भी नहीं है, कोई भी योजना ग्राउंड तक नहीं है जी, कुछ नहीं है। मैं तो जन जन में जाता हूँ। कालीचरण जी ने पिछले 5 साल में यहाँ क्या कुछ विकास किया? बहुत अच्छा किया है, सही चल रहे हैं, बहुत अच्छा किया है। अजी किया अपनी जगह पे, आपके साथ ही ये खड़े हैं, ये बोल रहे कालीचरण जी ने कोई वो दल वाली बात, किसको वोट करने वाले हैं? हम तो कांग्रेस को, कांग्रेस को वोट करने वाले हैं। अर्चना शर्मा को। आप जब वोट करने गए थे तो आपके जहन में क्या कुछ मुद्दे थे कि उन मुद्दों को लेकर आप वोट करना जा रहे हैं कि अब यहाँ पर ये जो परेशानियाँ हैं वो रिजोल्व करेंगे आपकी? क्या मैम, ये जो कालीचरण जी है, ये हर बार जीतते आ रहे हैं, 5 साल से जो बार बार जीतता, वो फिर उसको ये लगता है मेरे को ही आना है, तो वो घर जाते तो मिलते नहीं है, टाइम नहीं है उन लोगों के पास में, कोई नया को लेके आते हैं तो वो फिर आगे आने के लिए कुछ ना कुछ विकास कार्य करता है, बाकी और जो लगातार जीतता है वो कोई कुछ नहीं करता, तो हम ये चाहते हैं कि नया वो जो हमारे कार्य हो, मूलभूत समस्याओं पर कोई काम नहीं हुआ। हाँ, कोई काम नहीं हो, क्योंकि कालीचरण जी हर साल उसमें जीतते आए हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है, वो सोचते हैं ठीक है नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं तो वैसे भी आने आने वाला हूँ, तो जिसको ईगो हो जाता है तो वो कोई कार्य करता है नहीं, ना घर पर मिलता है ना लोगों से, बस सिर्फ चुनाव आते हैं जब तक घर घर आते हैं, और जब प्रचार में आ जाते हैं बाद में कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि नया अर्चना शर्मा जी आए, और वो कुछ नए आएंगे तो उनको कुछ उम्मीद रहेगी और फिर उसको कार्य हो। जैसा कि इनका कहना है कि अगर अर्चना शर्मा जी आएंगी तो यहाँ पे विकास होगा, और इनका कहना है कि अगर कालीचरण सराफ जी आएंगे तो विकास होगा, और उनका एक कहना है कि यहाँ पे कालीचरण सराफ ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं करवाया, ना उनकी जो मूलभूत समस्या थी उन पे काम किया है। हमारे साथ एक मैम मौजूद है, इन्होंने भी वोट किया है, इनसे जानते हैं कि इनके जहन में क्या कुछ मुद्दे थे वोट करने से पहले, और अब किससे उम्मीद की जा सकती है, किसको आपने वोट किया है? देखो, काम तो कोई नहीं करता, सब अपने अपनी भरते हैं जेबें, तो और जो कि गलत सरकार ने किया है कि स्कीमें खूब चलाई है बट ना लोगों को आलसी बना दिया उन्होंने, मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास मरता है और हमेशा मरता ही रहता है, लोगों को आलसी बना दिया, बिल्कुल बना दिया। आप सिलेंडर इतना सस्ता दोगे, वो मेहनत क्यों करेगा? आप खाना आप 5 रुपये या 10 रुपये में आप प्लेट परोसोगे तो मेहनत कैसे करेगा वो? जैसे आप कह रहे हैं लोगों को आलसी बना दिया, तो वहाँ एक जिक्र सामने आता है कि राजस्थान में पेपर लीक का बहुत बड़ा परेशानी है, युवा इतने तादाद में तैयारी कर रहे हैं, पेपर के लिए पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, लेकिन वहाँ भी होता है सब कुछ, ही ऐसे कोई नहीं कर सकता, आप और मैं तो नहीं कर सकते, सबकी मिली भगत है, बस ये कि हाँ हम कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं इसलिए बीजेपी को वोट देंगे, ना कोई कालीचरण साहब कोई काम करने वाले हैं, ना अर्चना जी करने वाली है, हम सिर्फ पार्टी को कर रहे हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट बस। अच्छा, आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो अगर आपके यहाँ पर आप जैसे कह रहे हैं कि कोई काम नहीं करवाता है, कोई विकास नहीं होता है, वो कोई विकास नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप मोदी जी को ही वोट क्यों करना चाहते हैं, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, आगे भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन बात जब विधानसभा की आती है, बात जब आपके क्षेत्र की आती है तो समीकरण अलग होते हैं, तो मुद्दे अलग होते हैं, बात जब देश की आती है तो चीज़ें अलग होती है, बात जब ठीक है। अभी गहलोत सरकार ने जो इतने सारे जिले बनाए, क्या जरूरत थी? आप छोटे छोटे सबको जिले बना दिया आपने, तो किस पे प्रेशर आएगा? तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, इन्होंने अपना देखा है, जयपुर को 2 भागों में बांट दिया, आज तक अभी ऐसा हुआ है? गहलोत सरकार ने बहुत कुछ गलत काम किए हैं और हम नहीं चाहते कि गहलोत सरकार आए।
जैसा कि इनका कहना है कि गहलोत सरकार ने बहुत कुछ गलत चीज़ें हैं वो की, बहुत गलत फैसले हैं वो लिए हैं यहाँ पर। जैसे इनका ये कहना है कि जो जयपुर को दो भागों में जो बांट दिया गया है उससे जयपुर को बहुत नुकसान है, वो उठाना पड़ेगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं वो यहाँ पर लोगों के निकल के आ रहे हैं, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हो, जैसे सिलेंडर जैसी परेशानियां हो, तो वो यहाँ पर लोगों की है। और ज़्यादातर अभी जो लोग देखने को मिल रहे हैं वो बीजेपी के सपोर्टर्स मिल रहे हैं, बीजेपी को जो वोट करने वाले हैं वो लोग ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। अब क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, हम शाम तक जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट्स होगी आपके सामने रखेंगे। और कैमरामैन चेतन के साथ मैं प्रीति चारण। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7333990049 पर।